दोस्तों वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर तो गवर्नमेंट का 35.8% का स्टेक आ गया, लेकिन जो पहले से ही गवर्नमेंट का कंपनी था वो था BSNL कंपनी। अभी BSNL के लिए एक और रिवाइवल पैकेज का घोषणा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। दोस्तों BSNL को रिवाइवल पैकेज मेनली 2018 साल के अक्टूबर महीने के अंदर मिल चुका था, जहां पर 69,000 करोड़ रुपए का जो रिवाइवल पैकेज है वो यहाँ पर BSNL को दिया गया। BSNL के ये 69,000 करोड़ रुपए के अंदर मेनली तीन चीज को करने के लिए बोला गया था। नंबर वन, VRS स्कीम, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंदर 50 से ज्यादा जो भी एम्प्लॉयज वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनको कुछ एनहांस बेनिफिट्स देकर उनको वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया गया है। BSNL के अंदर वर्कफोर्स पहले 1,75,000 था, मतलब 1,75,000 एम्प्लॉयज BSNL के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देकर 1,75,000 एम्प्लॉय से अभी सिंपली 80,000 एम्प्लॉयज के अंदर चले हैं, मतलब जो वर्कफोर्स है वो आधा कर दिया गया है। इसकी वजह से BSNL ने ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बचाया है, क्योंकि वो 7,500 करोड़ रुपए एम्प्लॉयज की सैलरी के अंदर और अदर एक्सपेंसेस के अंदर चले जाते थे। सेकंड जो काम करने के लिए बोला गया था वो था 4G एलोकेशन। हालांकि प्रॉपरली 4G एलोकेशन आज के डेट के अंदर नहीं आया है, और 4G के बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूं, जहां पर मेनली इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से फिर से किया जाने वाला है BSNL के अंदर। और थर्ड जो चीज था वो था एसेट मोनिटाइजेशन। BSNL के अंदर से बहुत सारे एसेट्स है जो अभी पड़ा हुआ है। वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम लेकर काफी ज्यादा एम्प्लॉयज जो है वो अपने घर पर चले गए, जहां पर BSNL के जो क्वार्टर्स होते हैं बड़े बड़े शहर के अंदर जो क्वार्टर्स होते हैं वो खाली हुआ पड़ा है, तो BSNL उस पर्टिकुलर एसेट को मोनिटाइज करके पैसे यहां पर जनरेट कर पाएंगे। इस तरीके का जो रिवाइवल पैकेज है वो घोषणा किया गया था 2018 साल के अंदर। BSNL की तरफ से आज के डेट के अंदर अभी तक 4G सर्विस को लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन BSNL को फिर से गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइवल पैकेज मिलने वाला है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, पूरा डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड भारत के अंदर एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी आज से 2 दिन पहले तक था, लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर भी एक अच्छे खासा अमाउंट ऑफ स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का आ चुका है। सिंपली अच्छे खासा अमाउंट ही नहीं, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टेक 35.8% का गवर्नमेंट का आ चुका है। हालांकि हम प्रॉपरली वोडाफोन आइडिया कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं कह सकते, लेकिन BSNL तो गवर्नमेंट कंपनी है। अभी BSNL का ये खराब परिस्थिति के अंदर BSNL को रिवाइव करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ रुपए और मेनली रिवाइवल पैकेज BSNL को दिया जा सकता है। इसके पीछे मेन जो कारण है वो है मेड इन इंडिया 4G सर्विस। देखिए, इससे पहले वाले जो रिवाइवल पैकेज BSNL को दिया गया था वहां पर एक अच्छे खासे अमाउंट BSNL को ठीक किया गया था कि BSNL उस पैसे को लेकर अपने 4G सर्विस को लॉन्च करेंगे, अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और 4G सर्विस को लॉन्च करेंगे। लेकिन यहां पर दो मेन दिक्कत आ गया। 2020 साल के अंदर BSNL का जो 4G सर्विस है उसका टेंडर बुलाया गया था और नोकिया ZTE दो कंपनी को दिया गया था, बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। अभी BSNL को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि देखो भाई BSNL, तुम अगर अपने 4G सर्विस को लॉन्च करना चाहो तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई भी मल्टीनेशनल वेंडर से आप प्रोडक्ट नहीं ले सकते। अभी 4G सर्विस अगर BSNL को लॉन्च करना है तो डेफिनेटली उन्हें नया मॉडेम्स लगाना पड़ेगा। अभी अगर मॉडेम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सिंपली अपने घर के बाहर जाओ, आपके नजदीकी मोबाइल टावर के ऊपर देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटेना आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उस टावर के नीचे आपको एक घर जैसा देखने के लिए मिलेंगे जहां पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं। तो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो BSNL मैन्युफैक्चर नहीं करते, या जो भी कंपनी का वो टावर है वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, इसके लिए डिफरेंट कंपनीज होते हैं जैसे नोकिया, ZTE, सिस्को, हुआई, सैमसंग, तो इस तरीके का जो कंपनी है वो मेरे हमारे सामने आते हैं, और हर एक टेलीकॉम कंपनी को ये सारे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना होता है। BSNL कोई भी चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, भारत के अंदर कोई दूसरे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भी नहीं कर सकता, और दो सबसे बड़ा चाइनीज मॉडेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था ZTE और हुआई, और दोनों कंपनी को मार्केट से बाहर कर दिया। सेकेंड जो चीज है, BSNL के अंदर कोई भी बाहर के जो कंपनी है, मतलब चाइनीज कंपनी को छोड़कर भी जो बाहर के फॉरेन के मल्टीनेशनल कंपनी है उनके साथ भी BSNL पार्टनरशिप नहीं कर सकता। BSNL को अगर अपने 4G सर्विस को लॉन्च करना है तो भारत के अंदर जो कंपनी मॉडेम को मैन्युफैक्चर करते हैं उनके पास से लेना होगा। अभी देखिए, अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी से अपने मॉडेम्स को परचेस करते तो BSNL का दो फायदे यहां पर हो जाता। नंबर वन, काफी ज्यादा कम खर्चों के अंदर BSNL अपने 4G अपग्रेडेशन कर सकते थे, और नंबर टू जो है, जो क्वालिटी मिलते हैं जो मल्टीनेशनल वेंडर से, उनका जो मॉडेम का क्वालिटी है वो काफी बढ़िया होते हैं, और कस्टमर को एक अच्छे खासे स्पीड वाले सर्विस मिलने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, BSNL को कड़ी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई देखो,
तुम अगर अपने सर्विस को लॉन्च करना चाहते हैं 4G सर्विस को, तो भारत के अंदर ही कोई ऐसे मॉडेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखो जो BSNL के लिए 4G मॉडेम्स प्रोवाइड करे। काफ़ी ज़्यादा कंपनी आया, BSNL की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखा गया कि भाई देखो हम लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का कोई भरोसा नहीं है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट हमें दिखाओ, किस तरीके से काम करते वो दिखाओ, मतलब कस्टमर को एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले BSNL के पास देना होगा। तो वैसे टाइम के अंदर BSNL का जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट 90% ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक राफ फिगर पे बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी से अपने मॉडेम को परचेस करता तो मान लीजिए कि 100 रुपये खर्च होता BSNL का, लेकिन आज के डेट के अंदर वो भारत के बनाया हुआ जो मॉडेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मॉडेम को ले रहा है तो उसी 100 रुपये की जगह उन्हें 190 रुपये देना पड़ रहा है। मतलब 4G का जो खर्चा है, जो इम्प्लीमेंट का खर्चा है, वो ऑलमोस्ट दुगना यहाँ पर हो रहा है। और BSNL के पास तो इतना पैसा नहीं है कि जितना पैसा उन्हें एलोकेट किया गया था उस पैसे से तो 4G लॉन्च नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख ऐसे मोबाइल टावर से जिसे 4G लॉन्च करना है, 4G अपग्रेड करना है। तो इसी कारण से BSNL अथॉरिटी के तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इससे पहले ही रिक्वेस्ट किया गया था कि भाई देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम 4G सर्विस को लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ तो मदद करो भाई। तो फाइनली एक काफ़ी बढ़िया अपडेट हमारे पास निकल कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ रुपए 37,000 करोड़ रुपए BSNL को मिल सकता है 4G अपग्रेड करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 37,000 करोड़ रुपए फिर से रिवाइवल पैकेज मिल सकते हैं, और ये रिवाइवल पैकेज का मेन जो फोकस होंगे वो होंगे 4G एलोकेशंस। उसी के साथ 2018 साल के अंदर जो रिवाइवल पैकेज BSNL को मिला, इसके अंदर BSNL अपने लॉसिंग का अमाउंट जो वो 50% तक कम किया है। दोस्तों 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो BSNL का टोटल लॉसिंग अमाउंट था 15,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के अंदर लॉसिंग अमाउंट 7,500 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब लॉसिंग अमाउंट काफी ज्यादा कम हुआ है BSNL को रिवाइवल पैकेज देने के बाद। अभी यह आशा किया जा रहा है कि अगर BSNL को 4G सर्विस लॉन्च किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लॉसिंग का अमाउंट कम हो सकते हैं और BSNL एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो BSNL के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जिस तरीके से अपने प्लान्स का प्राइस बढ़ा रहा है उसे देखते हुए BSNL तो गेम चेंज कर सकते हैं। अभी आपको क्या लगता है इसके बारे में, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया, क्या ये सच में अच्छा डिसीजन है या खराब डिसीजन है? डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।